टीम इंडिया वनडे वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। भारत ने श्रीलंका को हराकर टूर्नामेंट में लगातार सातवीं जीत दर्ज की और नॉकआउट में जगह बनाई। टीम इंडिया के अब दो मुकाबले बाकी हैं, इन्हें भी जीतने पर टीम पॉइंट्स टेबल में नंबर वन पोजीशन पर फिनिश कर सकती है। अगर भारत नंबर वन और पाकिस्तान नंबर चार पर फिनिश करता है तो टूर्नामेंट इतिहास में दूसरी बार भारत और पाक के बीच सेमीफाइनल देखने को मिल सकता है। आखिरी बार 2011 के वर्ल्ड कप में दोनों टीमें सेमीफाइनल में भिड़ी थीं, तब भारत को जीत मिली थी। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे इस बार भी भारत और पाक के बीच सेमीफाइनल हो सकता है, पाकिस्तान किस तरह सेमीफाइनल में पहुंचेगा और दोनों टीमों के बीच आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट में अब तक हुए मुकाबलों के नतीजे क्या रहे। लीग स्टेज में 33 मैचों के बाद भारत पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। टीम के पास 7 जीत से 14 पॉइंट्स हैं। भारत के 2 मैच साउथ अफ्रीका और नीदरलैंड के खिलाफ बाकी हैं। इन्हें भी जीतने पर टीम 18 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर ही रहेगी। साउथ अफ्रीका इस वक्त 12 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है और टीम नंबर वन की पोजीशन पर भारत को कड़ी चुनौती दे रही है। अगर भारत को साउथ अफ्रीका ने हरा दिया, फिर टीम इंडिया चाहेगी कि साउथ अफ्रीका अपना आखिरी लीग स्टेज मैच अफगानिस्तान से हार जाए। इस सिचुएशन में साउथ अफ्रीका के 14 ही पॉइंट्स रहेंगे और टीम नंबर दो या नंबर तीन की पोजीशन पर फिनिश करेगी। दूसरी ओर भारत नीदरलैंड को हराकर 16 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर ही फिनिश कर सकता है। पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की सारी उम्मीदें फिलहाल उन्हीं के हाथों में हैं। टीम इस वक्त 7 मैचों में 3 जीत और 4 हार से 6 पॉइंट्स लेकर 5वें नंबर पर है। उनके मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से बाकी हैं। दोनों मैच जीतने पर उनके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे, लेकिन यहां भी न्यूजीलैंड टीम उनके और सेमीफाइनल के बीच खड़ी है। न्यूजीलैंड इस वक्त 7 मैचों में 4 जीत से 8 पॉइंट्स लेकर 4थे नंबर पर है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड ही 4 नवंबर को बेंगलुरु के मैदान पर एक दूसरे से भिड़ेंगे। ये मुकाबला एक तरह से नॉकआउट मैच ही रहेगा, क्योंकि इसे जीतने वाली टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें ज्यादा हो जाएंगी और हारने वाली टीम को दूसरों के प्रदर्शन पर निर्भर रहना पड़ जाएगा। पाकिस्तान ने अगर 4 नवंबर को न्यूजीलैंड को हरा दिया तो दोनों टीमों की सिचुएशन लगभग एक जैसी हो जाएगी। पाकिस्तान के 8 मैचों में 4 जीत से 8 पॉइंट्स हो जाएंगे और न्यूजीलैंड के भी 8 मैचों में इतने ही पॉइंट्स रहेंगे। फिर पाकिस्तान को अपना आखिरी मैच इंग्लैंड के खिलाफ बड़े अंतर से जीतना होगा। इससे टीम का रन रेट न्यूजीलैंड से बेहतर हो जाएगा। न्यूजीलैंड से बेहतर रन रेट होने पर पाकिस्तान 10 पॉइंट लेकर 4थे स्थान पर फिनिश कर सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर सकता है। पाक को न्यूजीलैंड से बेहतर रन रेट इसलिए भी रखना है क्योंकि न्यूजीलैंड का आखिरी मैच श्रीलंका से होगा, जो टूर्नामेंट में 2 ही मैच जीत सकी है। ऐसे में न्यूजीलैंड के इस मैच को जीतने के चांस बहुत ज्यादा हैं। अगर न्यूजीलैंड श्रीलंका से हार गया, फिर तो उनके 8 पॉइंट्स रहेंगे और पाकिस्तान अपने 2 मैच जीतते ही नॉकआउट में पहुंच जाएगा। हालांकि अगर न्यूजीलैंड आखिरी मैच जीत गया तो 10 पॉइंट्स के साथ बेहतर रन रेट वाली टीम ही आगे क्वालिफाई करेगी। यानी पाकिस्तान या न्यूजीलैंड में से किसी एक टीम के खिलाफ ही भारत के सेमीफाइनल होने के चांस फिलहाल नजर आ रहे हैं। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल मुकाबले मुंबई और कोलकाता में होंगे। सिक्योरिटी कारणों से भारत का मैच मुंबई में और पाकिस्तान का कोलकाता में होना तय है। अगर भारत और न्यूजीलैंड के बीच सेमीफाइनल हुआ तो मैच 15 नवंबर को मुंबई में होगा। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल हुआ तो मैच 16 नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा।